हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी बज चुके हैं शाम के 6 बज चुके हैं। अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ है हमारा, तो अभी मैं जा रहा हूँ अभी बाहर। वो क्या है कि एक फ्रेंड आया है तो उससे मिलने जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं फटाफट से। पहले तो गई है बाइक की चाबी। हाँ चलो ले ली बाइक की चाबी। रानी को साफ करना पड़ेगा। चलो अभी जाएगा, जाता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे मैं अभी आया हूँ और देखो पापा तो बैठ ही गया के सीधा काम पे, और ये सब काम कर रहे हैं इधर। ये देखो नानी भी काम कर रही है। तो क्या कर रहे हो आप? माला जी क्या भगवान का? हाँ। और ये देखो मामा आज काम करते हुए दिख रहे हैं। देखो आज तक मैंने भी नहीं देखा है काम करते हुए इनको। मैंने भी तेरे को नहीं देखा है कभी। मेरे को बोल रहा है मेरे पापा को पूछो मैं कितना काम करता हूँ। तू है ना मेरी कार्बन कॉपी है, मालूम है ना तेरे को। पूरा दिन खटला तोड़ता है। ये देखो ये भी कुछ काम करती नहीं है, लेकिन आज तो देखो सब काम पे लगे हैं। काम कौन करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बड़े मामा काम करते हैं और नानी काम करते, बस ये सब कोई काम करता नहीं है। और मेरे पापा काम करते हैं रेडी, मतलब घर का काम है, बाहर का तो इनको ही करना पड़ता है। ये क्या उत्सव क्या है वो तो बताइए आप। पाठ उत्सव है ठाकुर जी का। हाँ जिस दिन घर में ठाकुर जी बधारे ना, हाँ उस दिन को पाठ उत्सव बोलते हैं। हाँ कितना वर्ष थया? 30 वर्ष। मतलब कि 30 साल पहले हम यहाँ हमारे घर पे ठाकुर जी पधारे थे, तब से ये उत्सव मनाया जाता है। तो कल है ये, आज से वो तैयारी करनी पड़ती है ना ये सब। इसमें देखो ये है ना, ये झूला है जिसमें हिंडोला यानी कि जिसमें झूला झूलाया जाता है ठाकुर जी को। और ये बंगला है, हाँ तो बंगला है ना। हाँ ये मजो। और एक तो गांव में गया है जो इसका भाई है ना वो इसका, और ये नानू भी आ गए। तो हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं काम में, थोड़ी देर बैठते हैं। मैंने पहले ही बोला था जिसको काम आता हो ना उसको ही सौंपने का। तो यहाँ पे गाइस मेरे को देखो नानी ने माल्या पे चढ़ाया हुआ है बड़ा सामान निकालने के लिए। इधर देखो मैं टेबल के ऊपर चढ़ाऊ,
ओ चलो उनका सामान निकाल देता हूँ, इधर आता हूँ ना तब पूरा काम निचोड़ लेती है नानी मेरे को। सर प्लेट निकालने के लिए मेरे को बोला, ये देखो निकाल लिया, ये रहा। ग्लास तो देखना पड़ेगा, नहीं है, ओए नहीं है, नहीं है, कितना सारा भरा हुआ है। इस तो फूल की वजह से दादी पंखा भी नहीं करने देती नानी, इतनी गर्मी हो रही है। थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, नहीं है ना, ना नहीं, मैं जोयू बधु खोली जोयू। तो इन सबको काम करने देते हैं, मेरे को तो पूरी गर्मी चढ़ गई। अरे वो नानी नहीं करने देती पंखा, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी मदद कर देता हूँ। फिर ये सब मेरे व्यूअर समझे नहीं कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ इधर। बाहर कितना पवन आ रहा है, इधर इधर मस्त पवन आ रहा है, देखो व्यू, पेड़ भी हिल रहा है, देखो इसमें दिख रहा होगा ये वाला पेड़, फोन के वजह से हिल रहा है। थोड़ी देर में काम कराता हूँ, इधर गर्मी हो रही पूरी खतरनाक वाली, अब तो नानी पूरा काम करवा के छोड़ेगी मेरे को, घर पे कुछ करता नहीं इसीलिए। यहाँ पे सारी सजावट अभी कंप्लीट हो चुकी है, देखो ये चूल्हे की और ये बंगले की सब कुछ हो चुका है। अभी सिर्फ कल अभी ठाकुर जी इसमें पधारेंगे, कल अभी दर्शन होगा, लेकिन वो देखते हैं अभी हम पहुंच पाए टाइम पे, तो सुबह सुबह में होता है जल्दी, इसीलिए तो देखते हैं अभी सुबह। और देखो मामा अभी थक चुके हैं पूरे, और इधर नाना भी अभी कंप्लीट अभी सो जाएंगे, तो हम भी चलते अभी घर पे पहले, तो चलो फटाफट से अभी। तो गाइज यहाँ पे मैं घर पे पहुंच के सीधा नहाने चला गया था, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना उधर, इतनी गर्मी हो रही थी, क्योंकि क्या है कि वो जो फूल होते हैं ना हम जो बना रहे थे वो फूल वो मुरझा जाते हैं, इसीलिए पंखा चालू करते हैं ना, तो पंखा नानी ने बंद करवा के रखा था, तो पूरी गर्मी हो रही थी इधर, तो उधर से एकदम शर्ट गीला और टी शर्ट गीली और पूरा पसीने पसीने आया, फिर सीधा नहाने चला गया। तो अभी मस्त अभी फ्रेश हो चुका हूँ, पर आज तो पूरा दिन ऐसे ही गया है हमारा, कल भी नानी के घर पे ही जाना है, सुबह दोपहर को खाना खाने का उधर ही है, तो उधर ही जाने का है। तो कल सुबह मैं और दादी तो मेरी अपनी बाइक पे निकलने वाले हैं, और दादू मम्मी और बहन वो सब रिक्शा से आने वाले है, तो सुबह हमको जाना है पहले, तो सुबह जल्दी उठना पड़े ना, 9 बजे तो उठना पड़ेगा, हम 10 बजे उठते हैं, तो 9 बजे तो उठना ही पड़ेगा। अपना व्लॉग तो अभी एडिटिंग करके मैं सीधा सो जाऊंगा, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होती है ना, तो क्या है कि सर में दर्द होने लगता है इसीलिए। तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, मेरी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।